कि हमारा टाइम खराब कर दिया, ये क्यों बुला लिया, 9 बजे बुलाया था, हम काम छोड़ के आए हैं, 300 रुपए की मजूरी मारी गई। अरे भाई किस लिए कमा रहे हैं हम लोग भाई, बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं, अब तुम एक दिन के लिए थोड़ा टाइम नहीं निकाल सकते, बताओ तो बच्चे के लिए क्या करेंगे जिंदगी में। बच्चा खराब निकल गया, बच्चे की कमियां दूर नहीं की तो बच्चा बेकार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इन सब बातों को देखना चाहिए, इन्हीं सब बातों से रूबरू होने के लिए, साझा करने के लिए आप लोग को यहाँ पर आज इस कैंटीन के शुभारंभ के उपलक्ष्य में, और हमारा आपका आदान प्रदान विचारों का हो सके, बच्चे के बारे में हम आपसे जानकारी ले सकें, इस निमित्त यहाँ पर आपके लिए हमने बुलाने का कष्ट किया, आप लोग समय निकाल कर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एक बार और मैं कहना चाहूँगा, आप लोग ऐसे समय समय पर विद्यालय में आते रहिएगा, बच्चे की कोई शिकायत है कुछ है तो आप यहाँ हमको अवगत कराते रहें, बताते रहें, जिससे हम उस पर अमल कर सकें, उसको देख सकें कि ये बच्चे के अंदर क्या दिक्कतें हैं, क्या कमियाँ हैं, उनको पूरी की जा सकें। इन सब बातों का ध्यान हम आपको ही रखना है, तभी हमारा बच्चा जो है अच्छा पढ़ पाएगा, अच्छा कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर से। और हमारे विद्यालय के जो मैनेजर साहब हैं माननीय राजीव प्रजापति सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बेहतरीन यहाँ पर सुविधा हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए की है। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप दो शब्द यहाँ पर उपस्थित दूर दराज क्षेत्र से आए गार्जियंस अपना कीमती समय निकालकर और हमारे विद्यालय के प्यारे बच्चों के लिए दो शब्द कहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संचालक महोदय जी, आपने इतनी इतनी अच्छी बातें बताई। तो यहाँ पर जितने भी हमारे गार्जियन लोग आए हुए हैं, क्षेत्रवासी आए हुए हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है। एक शेर कह दूं कि गुलाब है मोगरा महकता चंदन है, और इस कैंटीन के और पेरेंट्स टीचर मीटिंग के कार्यक्रम में आप सभी का दिल से अभिनंदन है। देखिए यहाँ पर हमारे विद्यालय में बहुत ही अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं, ये कैंटीन की बड़ी जरूरत थी, बच्चे बाहर जाके कहीं इमली खा रहे हैं, कहीं चाट खा रहे हैं, तबीयत खराब हो जाती थी, यहाँ पर अच्छे समोसे मिलेंगे, अच्छा आपके लिए बच्चों को मैक्रोनी मिलेगी, चाउमीन मिलेगी, छोले कुलचे मिलेंगे, कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी, सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलेंगी, और उसमें अच्छा फॉर्चून होगा। किसी पर हमें कमाना है नहीं, दुकान थोड़ी खोली है, उतने ही पैसों में बच्चों को सारा सामान मिलेगा, तो ये बहुत बड़ी सुविधा है, और आप सबको भी मिलेगा। अगर आप चाहेंगे कि किसी दिन मेहमान आ गए सर की कैंटीन से समोसे मंगा लें, तो मंगा सकते हैं, चाउमीन मंगा लें, मंगा सकते हैं, छोले कुलचे भी मंगा सकते हैं। तो ये सभी क्षेत्रवासियों के लिए ये बहुत बड़ी एक सुविधा हमने की है अपने विद्यालय में, ताकि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो सके, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बच्चा पढ़ेगा क्या। तो एक बार फिर से हमारे क्षेत्र के जितने भी गार्जियन आए हुए हैं, पेरेंट्स आए हुए हैं, और हमारे गंगवार साहब आए हुए हैं जो हमारी अक्सर मदद करते रहते हैं, इन सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं महेंद्र सर से चाहूंगा कि कुछ थोड़ा सा और सर को सभी गार्जियन को बता दें, कोई कहानी सुना दें कि ये जो कैंटीन है इसमें जो व्यंजन बनेंगे इसको खा के बच्चों की तंदुरुस्ती होगी, बच्चों का माइंड अच्छा होगा। और सभी गार्जियन को हम बताते हैं, देखो यहाँ पर 11 तारीख से पेपर है, एग्जाम टाइम में छुट्टी उट्टी मत कराना, क्योंकि बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो दिक्कत आती है। अच्छा, सभी बच्चों से और सभी पेरेंट्स से, सभी गार्जियन से एक निवेदन है कि प्रसाद लिए बगैर मत जाना, बहुत प्रसाद बच जाता है हर बार में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, जब प्रसाद मिल जाए, बच्चों को भी मिल जाए, तभी जाना, क्योंकि प्रसाद तो ईश्वर का होता है, माता रानी का होता है, उसे छोड़ के नहीं जाते हैं। अब मैं चाहूंगा अपने संचालक महोदय महेंद्र सर से कि कोई कहानी सुंदर से कैंटीन के बारे में, अपने विद्यालय की कंप्यूटर लैब के बारे में, हमारे यहाँ के टीचर्स के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए विद्यालय के बारे में क्या ही कहा जाए, आप सभी को जानकारी इस बात की कि हमारा जो विद्यालय है आरपी पब्लिक स्कूल, इस क्षेत्र का नंबर वन स्कूल है, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद और हम सुपर नंबर वन बनाने के लिए प्रयासरत हैं,
लैब खुलवाई, बच्चे कंप्यूटर सीख सके, क्योंकि इतनी दूर कंप्यूटर सीखने छोटे बच्चे नहीं जा पाते हैं, बड़े बच्चे सीखते हैं वो को दूर जाना पड़ता है, इसलिए स्कूल में कंप्यूटर लैब का शुभारंभ करवाया जिससे बच्चे कंप्यूटर सीखें। अब कैंटीन भी खुल गई, आज से बच्चे बाहर ना जाएं अच्छा अच्छा खाने के लिए। और इतने काबिल टीचर्स यहाँ पर दूर दूर क्षेत्रों से पढ़ाने के लिए आते हैं, हमारे क्षेत्र के बहुत काबिल टीचर पढ़ाते हैं, फिर शहर से बहुत काबिल टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं। यहाँ लोकल के किसी विद्यालय में ऐसे इतने काबिल इतने होनहार टीचर शायद मुश्किल से ही होंगे जो आपको यहाँ पढ़ाते हैं। इसलिए आप सबसे अपेक्षा है कि आप लोग अपने मस्तिष्क को अपने दिमाग को इधर उधर ना भटकाकर, मैं तो चाहूँगा कि ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला कराएं, एडमिशन कराएं और अच्छी शिक्षा बच्चों को दिलाएं जिससे कि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके, अच्छा बन सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस समय एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं हर जगह, तो आप लोगों से उम्मीदें हैं कि आप लोग भी अपने बच्चों के साथ साथ क्षेत्र के और बच्चों के भी एडमिशन यहाँ पर कराएंगे जिससे उनकी भी अच्छी पढ़ाई इसी तरह जैसे आपके बच्चों की चल रही है और बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सके, अच्छा इल्म उनको हासिल हो सके, ऐसा प्रयास आप लोग करेंगे। और अगर कोई भी आपको दिक्कत कोई समस्या है बच्चे के विषय में, पढ़ाई के विषय में, स्कूल को लेकर, तो आपका हर समय स्वागत है। आप वर्किंग डेज में किसी भी दिन विद्यालय में आइए, ऑफिस में मैं होऊंगा, सर होंगे, मैम होंगे, कोई भी है उनसे आप उस बात के बारे में कहिए, शिकायत करिए, उससे आपकी जो समस्या रही होगी उसको हल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर सभी कर्मठता से काम करने वाले सभी लोग हैं और आपकी बात सुनी जाएगी और उस पर अमल किया जाएगा। लिखा है वैसे नंबर दिए हैं, जैसा लिखा है वैसे नंबर दिए हैं, कॉपी आप खोल के देखिए, खाली नंबर मत देखिए, कॉपी खोल के अंदर देखिए कि कॉपी चेक करी हुई है कि नहीं करी है टीचर्स ने, तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पर कितने बारीकी से एकदम साफ सुथरा काम किया जाता है बच्चों के हित में, बच्चों को अच्छा बनाने के हित में। अच्छा प्रसाद कैसा बना है भाई, सब लोग बताएं जरा, हाथ उठाकर, अच्छा बना तो हाथ उठा दे, अच्छा नहीं बना तो हाथ ना उठाएं। प्रसाद मीठा है कि नहीं है, मीठा है कि नहीं है, कम मीठा डेली पढ़ती रहेंगी और पढ़ेंगी और ये सविता के हैं 40 में आए, इंग्लिश में आए 50 में, इसमें थोड़े कम और ये गणित में आए 50 में से 40 नंबर, ये भी संघ के भी बहुत 10 नंबर, और ये इधर देखो ये आए हैं उसके इंग्लिश में आए 50 में से 40 नंबर, ये भी बहुत सही है, हिंदी सुलेख में आए 50 में से 20 नंबर, ये थोड़े कम है, कोई बात नहीं मेहनत करेंगे तो अच्छे आएंगे, और ये राइम्स में आए 50 में से 15 नंबर, ये क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे और वहाँ पर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मोहतर खान मत जाओ खरा ज़्यादा, इन्हें कहीं मत जाने दिया, सविता और भाभी की दादी लिख लो, मैंने और इनकी वो लगा देना ठीक है, सविता है वो, सविता और भाभी सेकंड नंबर पे क्या नाम है, इसमें 95 उनका लिखो अनुष्का,
जी दोनों आप ही निकाल के फर्स्ट क्लास हो, कोई बात नहीं है, इधर कहाँ जाएंगे आप पहले देख जेड कर धूप लग रही थी आगे बैठो। धूप लग रही थी रोटी लेना आज बंद चल रही है, बंद हो रही है। ताऊ जी आए, ताऊ नाम पूछो पहले किसका, उनकी दादी की पायल की, पायल की दादी का नाम हेमवती है, हेमवती रचना, रचना पायल की दादी का नाम हेमवती। बहुत सारे होते देखो, जब स्टूडेंट थे कुछ लोग भी आते थे, गार्डन से बन गया तो गार्डन भी होते लोग होते लोग सब करेंगे लगता। ये नंबर अब इन्हें थोड़ा सा मेहनत इसमें और करना है मैथ में, है ना, इसमें थोड़ा सा सब चीज़, और सुबह शाम को थोड़ा सा बैठा करो पढ़ने के लिए, जिससे कि मतलब सही से और आ जाए, जो सवाल उतार दिए थे उनको दोहराया, उनका रिवीजन रफ कॉपी ले ली और सामने रख ली, वो जो उतार के लाई कर रहे हैं, कहीं अटक गई नहीं फिर छुपा दी फिर अटक गई, ऐसे रिवीजन करा। जैसे अब क्लास में कुछ भी पढ़ाया वो पढ़ने के बाद घर पर जाकर उसका रिवीजन करो, रिवीजन पढ़ा करो उसे दोहराया करते हैं उसको और करो उसका, देखना इनका हाइंग की कॉपी देखी आपने, अब देखा कि हाँ मैं आ गया, फिर ऐसे ही चलते घूमते कोई काम कर रहा है या कहीं घूम रहा है ऐसे ही हाँ बोलने लगे नहीं आ रहा, फिर से देख ली फोन का काफी थोड़ी बहुत देर तो और अच्छे नंबर आएंगे, नंबर अच्छे हैं वैसे, है ना, बाकी अच्छा है। ठीक है बेटे, अब प्रसाद वगैरह वितरण करके जाना, ठीक है पीछे आयुष आप रस्सी से सब खेल रहे हैं, आधारी मैडम फर्स्ट आई है मीनाक्षी आई फर्स्ट, ठीक
विज्ञान में बहुत कम है इनके नंबर, सामाजिक में इनके 46 नंबर है और कंप्यूटर के 70 नंबर है। पढ़ते हो घर पर? ये पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? आए तो ये आए हैं रेहू और मैंने मैं तो चाहिए अरे तो ये था तो लगाया हुआ लेकिन कि 15 नंबर आए किस पे कंप्यूटर कंप्यूटर पे और मैंने कर लिया रोड में ये बात के बहुत कर ये तेज है थोड़ी सामने बैठा ला करो बिल्कुल हमारी बस देखो इसके कितने अच्छे नंबर आए हैं 100 में से 94 नंबर छः कमर है पूरे आते हैं हिंदी में बहुत अच्छे नंबर आए हैं कागज में हमें लिखे देखो इसमें आप जो गणित है गणित मैथ में इसके आए हैं ज्ञान नंबर अच्छे हैं इसके बढ़िया पढ़ने में है लेकिन जो है इसमें पूरे आए थे समाज में बहुत बढ़िया नंबर आए थे पूरे आए इसमें पूरे आए देखो नैतिक शिक्षा में और इसमें कंप्यूटर में 99 एक नंबर कमरे का पूरा बढ़िया है थोड़ा और मेहनत करेंगे कि जो कमरा का है बेहू कम ला रहा है पूरे पूरे सुधारेंगे तब मैं तारीफ ना है सुधारेंगे तब तो इसलिए बुलाया कि जिससे कि घर के पता लगे बच्चा घर का करता क्या क्या नहीं करता है खेलता कितनी देर पड़ता है अब थोड़ी बहुत तो जानो तुम बच्चा ना तो खेलना चाहिए थोड़ा खेलना चाहिए बात मानता है नहीं मानता ये बहुत सारी जानकारियाँ घर से मिलती हैं अब
हम घर बार जाने जाने सकते सबके जाए का रोखा है रोटी ना खाने के बाद इनका पैसे उनको भी देख रहे हैं ये नोट कर लिया दादा जी आए ना आपके यहाँ तो आए नमस्ते सर नमस्कार नमस्कार भैया बैठो सर बैठो पढ़ा करो आपके क्लास में सेकंड क्लास में गरिमा मैम के पास आपकी कॉपी वो होंगी आप शिवानी मैम हाँ शारिफ का नाम और इधर घर में आए 85 से 40 अच्छा लिख लेता कम करके और इसमें इंग्लिश लिख में आए 85 से 40 में आए 40 से नीचे तो आए नहीं अच्छा खिलाड़ी सब बड़े और इधर आए हैं हिंदी सुबह की 50 से 15 नहीं ये सुस्त भी लग रही है उधर आया अबे अबे का मानवी हाँ मानवी 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 गंगवार मानवी Thank you.